फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इज इक्वल टू z प्लस 3/4 मीट्स द प्लेन x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 6 कंप्लीट हो गया ये करवा तो गए थे अभी गए थे क्वेश्चन जहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ ये केवल लैंग्वेज चेंज हुई है उसकी क्वेश्चन तो सेम जो अभी करवाए तो तीन क्वेश्चन करवाए थे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द प्लेन x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इसका कोई भी पॉइंट क्या होता है इसमें लैम्डा मान लिया पॉइंट में तो x इज इक्वल टू कितना हुआ और प्लेन क्या गिवन है 1/1/1 और पॉइंट क्या है इसमें सेटिस्फाई करा दो लाइन मिल रही है तो जेड पॉइंट इज 1,1,1 कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर लेने के लिए लैम्डा मान लेते हैं प्लेन को सेटिस्फाई करवा दो आंसर आ जाएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए एग्जाम्पल गए थे, केवल एक रिपीट कराया एग्जाम्पल। थ्योरी पार्ट आगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स हूज पोजिशन वैक्टर्स आर, हूज पोजिशन वैक्टर्स आर आर वन एंड आर टू, हूज पोजिशन वैक्टर आर आर वन एंड आर टू इज This is the equation of the plane passing through R1 and R2 and parallel to the line R is equal to A plus lambda B. It is, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे, देखना ये बी वेक्टर है और ये बी स्केलर, दोनों अलग अलग हैं। नोटेशन इसीलिए एक सेम लिखे हुए हैं जो मैं बुक्स में तुमको दिक्कत ना हो, जैसे बुक्स में पढ़ोगे तो सेम नोटेशन रहते हैं। ये बी वेक्टर है, ये अलग चीज है और ये बी जो है वेक्टर का कंपोनेंट है। नेक्स्ट थ्योरी पार्ट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, थ्योरी पार्ट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू two lines, parallel to two lines, parallel to two lines, एक है r is equal to a plus lambda b और एक है r is equal to c plus lambda d।
एंड पॉइंट इज आर वन. Then equation of plane is R minus R1 dot B cross D is equal to 0. Cartesian form में क्या हो जाएगा? P की वैल्यू है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, डी की वैल्यू डी वन आई प्लस डी टू जे प्लस डी थ्री के. हाँ, ये वाले में भी लिख सकते हो बी वन बी टू बी थ्री, तो यहां बी वन बी टू बी थ्री लिखना. हाँ, इजिकल टू जीरो इक्वेशन तभी बनेगी ना, इजिकल टू जीरो होगा, इजिकल टू जीरो डिटरमिनेंट्स की. हाँ, इक्वेशन लाइन तो है, अब इसमें डायग्राम 3D में बनाना बहुत मुश्किल होता, तुमने कहा है तो बनाए दे रहे हैं. ये दो लाइन है, नॉन पैरेलल लाइंस हैं. अब इनके पैरेलल प्लेन निकालना, तो इसके पैरेलल प्लेन क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल प्लेन ये वाला आ जाएगा और किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है. ये ना 3D में बनाना बहुत मुश्किल काम होता है सब चीजें. नेक्स्ट थ्योरी पार्ट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स. इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स. Passing through three points, A comma B comma C. वो लिखे कैसे जाते हैं, इसका लिखने का सबका तरीका होता है. अगर तुमको नहीं भी याद आएगा तो तुम आप बना सकते हो अपने आप से फार्मूला, लेकिन अगर याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है. नहीं याद रखते हो तो बना सकते हो. जैसे अगर कोई प्लेन है, ये इसमें तीन पॉइंट्स हैं, प्लेन पासिंग थ्री पॉइंट्स है. एक ऑब्वियस आर को जनरल पॉइंट होगा, आर जनरल पॉइंट होता है, तो आर माइनस ए एक वेक्टर हो गया, एक बी माइनस ए हो गया, एक सी माइनस ए हो गया. ये तीनों वेक्टर क्या हुआ, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे होंगे. अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे है, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है. तो एक वेक्टर हो गया आर माइनस ए, एक वेक्टर हो गया बी माइनस ए, एक वेक्टर हो गया सी माइनस ए, तीन वेक्टर हो गए. तीनों वेक्टर का कोप्लेनर है, तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो. और ये मतलब ये नहीं कि आर माइनस ए और बी माइनस ए सी माइनस ए बनाया, तुम आर माइनस बी सी माइनस ए बना सकते हो. मतलब कोई इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम हमेशा यही लिखो. तो अगर बनाना चाहो तो एग्जामिनेशन में फार्मूला भी बना सकते हो. जो अभी दो लाइन के पैरेलल किया उसमें भी वही किया था, बी और डी लाइन पैरेलल हो गई थी, बी क्रॉस डी, और एक पॉइंट से गई तो उसका कोप्लेनर कर दिया था. लेकिन अगर याद रखते हो चीजों तो ज्यादा बेटर रहता है, बजाय कि वहां पर एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के. इसी का कार्टेशियन फॉर्म,
एग्जाम्पल लिखो उसके बाद। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन कॉमा टू कॉमा थ्री, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, सेकेंड पॉइंट है जीरो कॉमा माइनस वन कॉमा जीरो, पहला पॉइंट है वन टू थ्री, दूसरा पॉइंट है जीरो माइनस वन जीरो टू द लाइन x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू y प्लस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू z अपॉन माइनस थ्री, x माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू y प्लस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू z अपॉन माइनस थ्री, कंप्लीट। कोई भी प्लेन एक पॉइंट से पास होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, जो जो अभी थ्योरी लिखवाई है उसको बाद में छोड़, बाद में करना, पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे वो, कोई भी प्लेन एक पॉइंट से पास होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, आर डॉट कर लो ये वाली इक्वेशन, ये क्वेश्चन होती है, ये क्वेश्चन होती है प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट्स, तो पहले एक पॉइंट से पास करा दो उसको, अब किससे पास हो रही है, जीरो नहीं पॉइंट पता बोला, अच्छा ठीक है, तो कोई समझ आई नहीं है पहले, अब लाइन के पैरेलल है, लाइन क्या है x माइनस वन अपॉन टू, अब प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, प्लेन इस लाइन के पैरेलल है, अगर प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो लाइन के डायरेक्शन डायरेक्शन को रेशियोज क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो है टू थ्री माइनस थ्री, और प्लेन के क्या है लाइन के हो गए, और प्लेन के ये प्लेन के नॉर्मल क्यों होते हैं, जो ए बी सी होते हैं प्लेन के नॉर्मल क्यों होते हैं,
अगर कोई प्लेन जो है, जैसे ये लाइन है मान लो, और जमीन का प्लेन है, तो ये प्लेन लाइन के पैरेलल है, तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन नंबर्स होंगे, और प्लेन जो नीचे जमीन वाला प्लेन है इसके डायरेक्शन नंबर इसके परपेंडिकुलर होते हैं, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो और प्लेन का डायरेक्शन रेशियो 90 पर होंगे कि नहीं होंगे? प्लेन का नहीं, प्लेन के नॉर्मल का, प्लेन जब लिखते हैं ax plus by plus cz लिखते हैं, तो जो ए बी सी होता है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो अगर प्लेन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे और प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे वो 90 डिग्री पर होंगे आपस में। तो इन दोनों, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो कितना हुआ 2a प्लस 3b प्लस 3b प्लस माइनस 3c0। अब एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था? दो इक्वेशन को सॉल्व करने का भी तरीका शायद कल वाले क्लास में बताया हो या पहले वाले क्लास में बताया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो इसे। a अपॉन माइनस b अपॉन c अपॉन a अपॉन कितना हुआ, a अपॉन कितना हुआ माइनस नाइन माइनस नाइन, थ्री थ्री जा नाइन और थ्री थ्री जा नाइन, b अपॉन माइनस थ्री माइनस सिक्स और c अपॉन तो अब यहां से हमने बोला था वैसे तो इज इक्वल टू के माना जाता है इसको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 18, बी की वैल्यू माइनस प्लस 9 और सी की वैल्यू माइनस 3, सब्स्टिट्यूट कर दो आंसर मैच करवा दो। यहां पर ए की वैल्यू माइनस 18, बी की वैल्यू माइनस प्लस 9 और सी की वैल्यू माइनस 3, 14 3 से कैंसिल कर लेना, इसके बाद लगा दो ज्यादा ऐसे लगा दो। ये पूरा क्वेश्चन मैं इसलिए किया है कि मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक बेसिक चीज़ सीख के चलो उससे आगे बढ़ते चले। अब जो मेथड मेथड लिखवाया था हमने कोई मेथड यूज नहीं किया, सीधे बेसिक मेथड से किया। हाँ ए बी सी की वैल्यू है इसका डॉट, इसका इसका डायरेक्शन रेशियो को जीरो आएगा। हाँ तो इसमें अगर एबीसी की वैल्यू रखो इसको भी सैटिस्फाई, इसमें इसमें एबीसी रखोगे आएगा कैसे, उससे तो मल्टीप्लाई करके किया है 18 2 36 और 9 3 27 और 3 3 9 आ तो रहा है कहीं थे, वो तो मल्टीप्लाई किया, अगर वो ये सैटिस्फाई नहीं होगा तो ये इक्वेशन से आएगा, या तो वहां गलत निकला है, कोई ना कोई एक चीज गलत होगी, अगर वो सही निकला हुआ है तो ये होगा, अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब वो गलत निकला है। ए इज इक्वल टू कितना हुआ यहां से माइनस 18, बी इज इक्वल टू प्लस का 9 और सी इज इक्वल टू माइनस 3, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कहीं, तब हम कह रहे हैं वो नॉर्मल और सब छोड़ो, अगर दो इक्वेशन को सॉल्व किया तो जो वैल्यू निकलनी सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे नॉर्मल लिखा है या ना लिखा है, कहीं पे भी लिखेंगे सेटिस्फाई होंगी, समझ आ गया ना? ये मतलब वो नॉर्मल से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है और इन दोनों इक्वेशन को मिला के सॉल्व किया है, तो ए बी सी तो सॉल्व सेटिस्फाई करेंगे करेंगे, चाहे तुम इक्वेशन कहीं से लेके आए हो।
ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ये वो नॉर्मल से मतलब नहीं है। अगर दो इक्वेशन सॉल्व की हैं तो जो वैल्यू निकली हो तो सेटिस्फाई करेगी करेगी, अगर नहीं कर रही है तो यहां गलती हुई है या वहां गलती हुई है, कहीं एक जगह गलती हो गई है। अगर कार्टेशियन से करें तो क्या होगा, कार्टेशियन से, कार्टेशियन से करो एक बार, हाँ देखते हो तुम क्या पूछ रहे हो, अभी पसंद जरा कर दें इसको कहीं थे। और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, टू थ्री माइनस थ्री, इससे करना चाहो इससे हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, और लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज। अगर कार्टेशियन से करना चाहो तो कार्टेशियन कर सकते हो, इसमें कभी कभी कार्टेशियन ज्यादा आसान पड़ता है वेक्टर की तुलना में, वेक्टर में बहुत सारी वर्किंग करनी पड़ती है, कार्टेशियन में सीधे डिटरमिनेंट सॉल्व करो। ध्यान रखना डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी थोड़ा मुश्किल ही है, बड़ा बड़ा है, मुश्किल नहीं है बड़ा है, क्योंकि उधर एक्स माइनस वन, वाई माइनस टू, जेड माइनस थ्री लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये सोचो कि बहुत सिंपल हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा नहीं होता लेकिन वेक्टर से आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री आई, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री आई माइनस जे प्लस टू के, थ्री आई माइनस जे प्लस टू के एंड पैरेलल टू द लाइन, एंड पैरेलल टू द लाइन माइनस जे प्लस थ्री के, माइनस जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा टाइम्स टू आई माइनस फाइव जे माइनस के, टू आई माइनस फाइव जे माइनस के एंड आई माइनस थ्री जे प्लस के, आई माइनस थ्री जे प्लस के प्लस म्यू टाइम्स माइनस फाइव आई प्लस फोर जे, थ्री आई माइनस जे प्लस टू के ये पॉइंट है और लाइन है पहली, प्लेन जो है पॉइंट से पास हो रहा है और इन दोनों लाइन के पैरेलल है, जो मेथड दिखवाए हैं उनको छोड़ना कहते हैं, कॉमन मेथड से करो जो अभी बताते चले आप, जो फॉर्मूला वगैरह लिखा है आर माइनस आर वन इजिकल डॉट बी क्रॉस डी इजिकल जीरो, वो सब छोड़ो, अभी क्या था इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट,
तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट क्या हो जाएगा? ये आएगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट. पॉइंट क्या है? 3, -1, 2. 3, -1, 2 से पास हो रहा है. अब प्लेन जो है किसके पैरेलल है, किस लाइनों के पैरेलल है? तो प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है इनका डॉट प्रोडक्ट, इनका परपेंडिकुलर कंडीशन लग जाएगी दोनों में. तो ए इंटू 2 माइनस बी इंटू माइनस 5 प्लस सी इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ए इंटू माइनस 5 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 4 इज इक्वल टू 0. लाइन सही लिखी है ना? माइनस 5 प्लस 4 जे है, माइनस 5 प्लस 4 जे सही कर लेना इसको. तो पहला क्या हो जाएगा? 2a माइनस 5b माइनस सी इज इक्वल टू 0 और दूसरा 2a माइनस 5a माइनस 4b प्लस 0c. इन दोनों से ए बी सी की वैल्यू निकालो. ए बी सी की वैल्यू हाँ उसे भी कर, आर माइनस आर वन ही है, ये आर वन हो गया. आर तो एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो तो जनरल वेक्टर होता है ना, उसमें थोड़ा ना आर कुछ रखते हैं. जैसे प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड आता है तो एक्स वाई जेड की तरह वहां तो कॉमन होता है वेक्टर. ए बी सी की वैल्यू कितनी आई से? ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 80. वो ऊपर बी के, बी की वैल्यू माइनस कर ली थी, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन. अब यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 5. आंसर बता दे रहे, इसका आंसर चेक कर लो. आंसर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आ जाएगा 4x प्लस 5y माइनस 17z प्लस 27. आंसर में प्लस 5 लिखा हुआ है. हाँ आंसर में प्लस 5 आ रहा है. हाँ आंसर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4x प्लस 5y माइनस 17z प्लस 27. तो इसमें प्लस 5y आ रहा है, माइनस से कैसे आ जाएगा? हम किए दे रहे हैं, एक सेकंड रुको. ए अपॉन, अब ए अपॉन लिखो कितना आएगा? 0 प्लस 4. बी अपॉन 0 प्लस 5 और सी अपॉन 5 p इज इक्वल टू
बी की वैल्यू लिखेंगे तो बी इज इक्वल टू जीरो और प्लस फाइव, नहीं बाहर माइनस है तो इधर ले बी लेंगे तो जीरो और प्लस फाइव आएगा, अच्छा जीरो जीरो माइनस फाइव, या मल्टीप्लाई करो जीरो और माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस होता ही नहीं होता है। हाँ क्लियर हो गया ना ये, ऐसे लिख लिया करो। अब ए अपॉन लिखोगे तो माइनस जीरो माइनस फोर प्लस फोर हो जाएगा, बी अपॉन लिखोगे तो जीरो और माइनस फाइव प्लस फाइव बीच में माइनस लग जाएगा, और सी अपॉन लिखोगे तो चार दुनिया आठ और माइनस पच्चीस। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म ये लिखी हुई है, इसका डिटरमिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और इसके बाद मल्टीप्लाई कर लोगे। अभी इस क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म आसान पड़ती है, वेक्टर फॉर्म मुश्किल पड़ती है, क्योंकि मुश्किल क्या बड़ी हो जाती है, पहले एक बी क्रॉस ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बाद इसके साथ डॉट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लिखो, नोट करो, इफ द लाइंस एक्स माइनस टू अपॉन वन, if the lines x minus 2 upon 1 is equal to y minus 3 upon 1, y minus 3 upon 1 is equal to z minus 4 upon minus k, z minus 4 upon minus k and x minus 1 upon k, x minus 1 upon k is equal to y minus 4 upon 2 is equal to 5 minus z upon 1 minus 1, 5 minus z upon minus 1 are coplanar, find the value of k, line फिर से बोले दे रहे हैं, x minus 2 upon 1, y माइनस फोर वाई माइनस थ्री अपॉन वन, जेड माइनस फोर अपॉन माइनस के, दूसरी लाइन है x माइनस वन अपॉन के, वाई माइनस फोर अपॉन टू और फाइव माइनस जेड अपॉन माइनस वन, ये कोप्लेनर लाइंस हैं, तो इसमें k की वैल्यू बतानी है। अभी नोट नहीं करवाया ये सोचो इसमें क्या करना है, बहुत फार्मूला था इसका भी, हमें फार्मूला इसने नोट किया, कितने फार्मूले याद करोगे, अभी हमने आज के क्लास में जो भी फार्मूले जो लिखवाए हैं हमने एक भी यूज नहीं किया है, हम सब कॉन्सेप्ट से करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में 3D में हम फार्मूले लिखवाने पे आएंगे तो अभी फार्मूले इतने ज्यादा हैं इसके कि एग्जामिनेशन में कर ही नहीं सकते, याद ही नहीं रहेंगे वहां पर कहीं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट करो। लाइन है x माइनस टू अपॉन के इज इक्वल टू y माइनस थ्री अपॉन वन, z माइनस फोर अपॉन माइनस के, x माइनस वन अपॉन के, y माइनस फोर अपॉन टू
सही लिखी लाइन है हाँ, वो चेंज कर दिया x माइनस z माइनस 5 अपॉन पर कर दिया क्योंकि स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। अब ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन पर हैं, दोनों लाइनें एक ही प्लेन पर हैं, तो दोनों लाइनें एक ही प्लेन पर हैं, तो दोनों लाइनें एक ही प्लेन पर हैं, तो ये वाली लाइन किससे पास हो रही है? पहली वाली लाइन पास हो रही है 2, 3, 4 से, और दूसरी वाली लाइन किससे पास हो रही है? 1, 2, 3, 4 ध्यान देना इसमें कहते हैं, ये हम शुरू से 3D कह रहे हैं कि क्वेश्चन समझना चालू कर दो 3D के क्वेश्चन आने लग जाते हैं, नई क्वेश्चन समझोगे फॉर्मूले के आधार पर नहीं होंगे क्वेश्चंस कहते। अब पहले वाली लाइन पास हो रही 1, 2, 3, 4 से, दूसरी लाइन पास हो रही 1, 4, 5 से। अगर दोनों लाइन प्लेन के ऊपर है तो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा। अगर दोनों दोनों लाइनें प्लेन पर है, ये जमीन वाले प्लेन पर दो लाइनें खींच दो, तो दोनों लाइनें प्लेन पर है तो जितने भी पॉइंट लाइन पर होंगे वो पॉइंट प्लेन पर भी होंगे। अगर दो पॉइंट को मालूम है लाइन होके, अगर उन दो पॉइंट को मिलाएंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा। तो एक वेक्टर कौन सा हो जाएगा? 1 - 2, 4 - 3, तो कितना हुआ -i। समझ आइए, अगर दोनों लाइनें प्लेन के ऊपर हैं तो लाइन में कोई भी पॉइंट होगा वो प्लेन के ऊपर होगा। यहां दो पॉइंट को मालूम तो दो पॉइंट से एक वेक्टर बन गया। और लाइन पैरेलल किसके है? पहले वाली लाइन पैरेलल है के दो बार लिखे दे रहे, यूनिट वेक्टर बना दिया आपके बार, ठीक है ना? वो के क्वेश्चन वाला है, ये के वेक्टर वाला है। और दूसरा वाला किसके पैरेलल है? तो पहले वाली लाइन पैरेलल है i प्लस j माइनस k, माइनस k और k, और दूसरी वाली के i प्लस 2j प्लस k। अगर लाइन एक वेक्टर हमारे पास ये बना हुआ, ये वाला माइनस आई प्लस जे प्लस के, और वो दो जो लाइनें पैरेलल है प्लेन के, तुम लोगों को बताया था कि अगर कोई कोई वेक्टर प्लेन पर होता है या प्लेन के पैरेलल होता है तो उसको कोप्लेनर बोलते हैं। कोई अगर प्लेन पर होता है या प्लेन के पैरेलल होता है उन वैक्टर्स को कोप्लेनर वैक्टर्स बोला जाता है। तो तीन वैक्टर्स बन गए, और तीनों वेक्टर क्या होंगे? एक वेक्टर तो बन गया x2 - x1 करके, जो लाइन प्लेन के ऊपर लाइन। अब जो लाइन है वो प्लेन पर ही है, तो लाइन प्लेन पर है तो जो वेक्टर का ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर प्लेन पर ही होगा और ये वाला वेक्टर भी प्लेन पर ही होगा। तो तीनों वेक्टर का एक ही प्लेन पर है तो कोप्लेनर हो गए। कोप्लेनर की कंडीशन लगा दो, -1, 1, 1, 1, 1 - k और k 2, 1। पहले x2 - x1 करके एक वेक्टर निकाला, इसके बाद जो लाइन प्लेन के ऊपर ही होगी तो प्लेन का हर एक वेक्टर, हर एक, अब ये वाला इसका मतलब क्या होता है? ये लाइन 1, 1, -k के पैरेलल है, तो 1, 1, -k के पैरेलल कह दो या प्लेन पर ही कह दो, एक बात एक ही है। ऐसे सेकंड वाली k, 2, 1 के पैरेलल है या प्लेन पे ही बोल दो, ये सब कोप्लेनर है आपस में, इनका डिटरमिनेंट बना के जीरो कर दो, k की वैल्यू निकाल। देखना बुक में मेथड दूसरा दिया हुआ है, उन्होंने फार्मूले वगैरह लगाए हुए, उन्होंने तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम एग्जामिनेशन में कर पाओगे, क्योंकि बाकी फार्मूले याद करते रहोगे, फार्मूले नहीं कर पाओगे वहां पर। k की वैल्यू बताओ कितनी आ रही, बैठे आ रही तो कर लिख के किया करो, आराम करते हुए तो बीच में कम से कम डिटरमिनेंट बना के ही सॉल्व कर लियो।
जीरो माइनस थ्री लिखी हुई है, जीरो माइनस थ्री फाइनल इक्वेशन बन रही है, के स्क्वायर प्लस थ्री के इज इक्वल जीरो, के इज इक्वल जीरो और माइनस थ्री, माइनस थ्री और जीरो भी तो आएगा ना, के स्क्वायर प्लस थ्री के बनेगा, के कॉमन लोगों तो एक के इज इक्वल जीरो और एक माइनस थ्री। क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं आज।